हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनुज 5 फोरन। आज हम बनाएंगे सहजन आलू और बैंगन की बहुत ही टेस्टी सी रसेदार सब्जी। बहुत ही सिंपल है बनाना, चलिए शुरू करते हैं। सहजन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालकर हम इसे गरम करेंगे। तेल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी। इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। 3-4 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे भी कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। तो जब तक हमारा प्याज भून रहा है, हम इसके लिए एक मसाला पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कटोरी में लिया है 1/2 कप पानी। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सारे चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे भुने हुए जीरे पाउडर डाला है, लेकिन आप चाहे तो सिंपल वाला जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मसाला पेस्ट हमारा रेडी है। प्याज भी हमारा भुन चुका है अच्छी तरीके से। इसमें हम डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर, और टमाटर को थोड़ा सा जल्दी पकाने के लिए इसमें हम डालेंगे बिल्कुल जरा सा नमक। स्वाद अनुसार नमक हम बाद में डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए टमाटर को फ्राई कर लेंगे। टमाटर को 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज का लंबे आकार में कटा हुआ आलू। यहाँ पे आलू जो है पकने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएगा, तो इसलिए हम आलू को पहले हल्का सा पका लेंगे और बाकी सब्जियों को बाद में डालेंगे। आलू को भी 1-2 मिनट के लिए टमाटर के साथ ही हम पका लेंगे। यहाँ पे आप सारी सब्जियों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा ढककर पका लेंगे। आलू को टोटल हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है। पहले 1-2 मिनट फ्राई किया और फिर 2 मिनट के लिए ढक दिया था। तो यहाँ पे आलू हमारा हल्का सा पक गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी की सब्जियां। यहाँ पे मैंने लिया है 4 सहजन की फलियां, जिसको मैंने छील कर छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, और साथ ही में 1/2 मीडियम साइज का बैंगन, जिसके मैंने इसे लंबे लंबे पीसेस किए हैं। इसको भी हम 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। सहजन आलू और बैंगन की ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना। और सब्जियों को हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इसको हम जितने ज्यादा अच्छे से फ्राई करेंगे, इसकी करी का टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे 3-4 मिनट हो गए हैं, सब्जियां हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मसाला पेस्ट। और मसालों को पानी में भिगोकर रखने से उसका फ्लेवर और कलर सब्जी का बहुत ही अच्छा आता है। तो मसाला पेस्ट डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी ऐड कर दें। यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। पहले जमाने में मसालों को सिलबट्टे में पीस करके बनाया जाता था, इसलिए सब्जी का टेस्ट अलग ही आता था। लेकिन आज के जमाने में हम नॉर्मल रेडीमेड मसालों का यूज करते हैं, तो इस तरीके से पानी में भिगोकर रखने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, क्योंकि ये वाली जो सब्जी है थोड़ी सी तरी वाली बनती है, रसेदार। तो पानी थोड़ा सा ज्यादा ही डालें और नमक भी एडजस्ट करें। यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम पैन को कवर कर देंगे और इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। 3-4 मिनट के बाद अब हम एक बार सब्जी को चेक कर लेंगे, आलू पका है या नहीं एक बार देख लेंगे। अगर आलू कच्चे लग रहे हो तो वापस से ढककर पका ले। और बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। मुझे तो ये रसेदार सब्जी प्लेन राइस के साथ बहुत ही पसंद आता है। आप भी ट्राई करके देखना। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हमारी पतली करी वाली यानी कि रसेदार सहजन आलू और बैंगन की सब्जी बिल्कुल तैयार। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ना दोस्तों, जरूर ट्राई करना। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल तनुज 5 फोरन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।